अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए कोर्ट में गुहार लगा चुके लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर से चर्चा में हैं। दरअसल तेज ने एक ट्वीट किया है, इसके बाद से एक बार फिर से साफ हो गया है कि वह अपने तलाक लेने के फैसले से पीछे नहीं हटने जा रहे हैं। इस बीच उनकी पत्नी ऐश्वर्या के परिवार की ओर से भी सुलझाने की कोशिश जारी है, लेकिन इसका तेज पर कोई भी असर नहीं पड़ता दिखाई दे रहा है। इस ट्वीट में तेज प्रताप ने लिखा है, टूटे से फिर ना जुटे, जुटे गांठ पर जाए। इस दोहे से साफ होता है कि वह किसी भी तरह से अपने फैसले से पीछे आने के मूड में नहीं है। इससे पहले दिवाली के बाद मथुरा में तेज प्रताप यादव ने कहा था कि ऐश्वर्या और मेरे बीच मतभेद है, ये रिश्ता बेमेल है। शादी से पहले मैंने अपने माता पिता से कहा था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। जब तक मुझसे सब सहमत नहीं होते, मैं घर कैसे लौट सकता हूँ। वैसे आपको बता दें कि इस दोहे को रहीम दास जी ने लिखा था, जो कि कुछ इस तरह से है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुरे, जुरे गांठ पर जाए। इस दोहे का मतलब है कि प्रेम का रिश्ता एक नाजुक डोर की तरह होता है, इसे एक झटके में नहीं तोड़ना चाहिए। यदि ये प्रेम की यह डोर एक बार टूट जाती है तो फिर इसे जोड़ना काफी मुश्किल होता है। यदि जोड़ा भी जाए तो इसमें एक गांठ पड़ जाती है। तलाक की अर्जी दायर करने के बाद तेज प्रताप यादव ने कहा था कि घुट घुट कर जीने से कोई फायदा नहीं है, कोर्ट निर्णय करेगी कि ऐसे जिंदगी जीने से घुट घुट कर जीना बेहतर है या तलाक ले लेना। उन्होंने कहा कि इस बात में पूरी सच्चाई है कि हमें अब ऐश्वर्या राय के साथ रहना मुश्किल है, हम घुट घुट कर जीना नहीं चाहते। तेज की ओर से दी अर्जी में संबंधों में सामंजस्य नहीं होने की वजह को बताते हुए तलाक मांगा गया है। तेज प्रताप ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि वह कृष्ण है लेकिन उनकी पत्नी ऐश्वर्या राधा नहीं है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।